एबटाबाद की कदीम गलियां चटपटे और मीठे खाने के लिए मशहूर हैं, जहां न सिर्फ शहरी बल्कि पाकिस्तान के तूल वर्ष से आने वाले सयाह भी लजीज सौगात और खानों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। 60 साला गुरुद्वारा गली व मुजाफात मिनी फूड स्ट्रीट की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जहां 30 रुपए से लेकर सैकड़ों रुपए तक अशियाए खुर्दनोश खरीदी और खाई जा सकती हैं। आप देख रहे हैं DAA न्यूज, हजारा का सबसे बड़ा न्यूज चैनल। हम पकवान और शक्कर बनाते हैं जी, इसमें शक्कर होती है और सौंफ होते हैं और ये मैदा होता है, आटा होता है, मतलब ये चीज़ें होती हैं और ये कुलचे का थोड़ा सा काम है, ये बनाते हैं जी, ये मैदे में घी में लोग बहुत पसंद करते हैं। उसके साथ मक्की का रोटी है, ये थोड़ा बनाते हैं, ये भी लोग बहुत पसंद करते हैं। और बाकी ये दूसरी रोटी का काम है, ये बनाते हैं हम। बस ये हमारा बेकरी का सिस्टम नहीं है, बस ये दो तीन आइटम है हमारे पास, यही बनाते हैं हम। हाँ जी, तो बस ये लोग पसंद करते हैं इंशाल्लाह, जो ले जाते हैं इंशाल्लाह तारीफ़ करता है, बल्कि बाहर भी लोग ले जाते हैं ये हमारी चीज़ें। ये साफ़ सुथरा काम है हमारा, मतलब कोई बड़ा सिस्टम नहीं है वो बेकरी का। और ये दो तीन आइटम है लोग पसंद करते हैं, कराची ले जाते हैं, हाँ जी पंजाब में ले जाते हैं और बाहर जाते हैं, तो जो भी ले जाते हैं इंशाल्लाह तारीफ़ करता है। हमारे 50-60 साल हो गए हैं, मेरे बुज़ुर्गों के भी तो 30 साल मेरे भी हो गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये काम चल रहा है, शुक्र अल्लाह का। अभी तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, जिसकी वजह से अभी 350 रुपये किलो मिल रहे हैं, तो 50 रुपये की प्लेट हो गई है सिंगल, तो फुल प्लेट 80 रुपये की दे रहे हैं। एक 1961 से ये दुकान चल रही है भाई। इधर चाय होती है, हलवा पूड़ी होती है, नाश्ता होता है, रसमलाई खीर होता है, मुख्तलिफ जगहों से हमारे पास लोग आते हैं, तो मशहूर दुकान है। ये यहाँ मरसा है तकरीबन 50 साल से ये काम कर रहे हैं, यहाँ लोग बड़े पसंद करते हैं भाई को, हमारे पास पाए और जीतने का काम है। ये हमारे वादो साहब ने शुरू किया था,
और तकरीबन मेरे बच्चे भी कर रहे हैं काम, तकरीबन 50 साल हो गए हमारे इस काम को, तो लोग बड़े पसंद करते हैं, लाइक करते हैं इसको, सुबह के टाइम पे खासकर, बल्कि पूरा दिन चलता है काम।